नमस्कार स्वागत है आपका हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स शो में और मेरा नाम है मीनम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और हमारे चैनल का नाम है अम्बिशस बाबा जिसे आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज़ आई कैन सी सुनिमा गुड मॉर्निंग ठीक है तो गाइज़ जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सेशन से सो दैट हम लोग फटाफट से शुरू कर दें अपने सेशन को ठीक है और हम लोग डेली मिलते हैं आठ बजे अब तो पता ही चल गया होगा मंडे टू सैटरडे ठीक है इसमें हम जो डेली करंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं प्लस हम आपको पी भी प्रोवाइड करते हैं आ, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवेलेबल हो जाता है तो फटाफट से गाइज शुरू कर देते हैं सेशन हमारा आज का तो पहला क्वेश्चन आ गया है एंड यू नो आपको क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है ठीक है चलिए जरा फटाफट -पट से क्वेश्चन पढ़िए हाँ जी तो क्या लिखा है विद स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च माना ओरु माना बाड़ी प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने मन ओरु मन बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया है आई होप मैं सही बोल रही हूँ कुछ गड़बड़ नहीं बोल रही हूँ है ना चलो देखिये ऑप्शंस क्या है जी बिहार असम तेलंगाना केरला और तमिलनाडु ठीक है तो चलिए भाई फटाफट से इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं क्या है कहानी तो अगर हम बात करें केरला की ठीक है तो अगर आपको याद होगा हमने केरला के बारे में कुछ चीज़ें बात की थी क्या बात की थी पहली चीज़ बात की थी इट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च पेपर लेस कोर्ट पहला प्रदेश है जिसने पेपरलेस कोर्ट लॉन्च किया है दूसरा कल ही बात की थी क्या बात की थी बता रहे हैं कुंबलंगी ठीक है ये विलेज है कहाँ की एक गांव है करला का विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ठीक है तो यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज इसको कंसिडर कर दिया गया है कल ही इसके बारे में हमने बात की थी इसके अलावा अभी रिसेंटली आपका आ, वर्ल्ड डेफ टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है कहाँ पे केरला में कौन से ईयर में 2023 ये पहला वर्ल्ड डेफ टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कहाँ होगा केरला में होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला ऑप्शन ले लेते हैं हम तमिलनाडु तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई आप सभी जानते हैं और रिसेंटली चेन्नई इंटर नेशनल जो एयरपोर्ट है आपका इसे एट्थ रैंक में मिली है आठवां स्थान मिला है कौन सी लिस्ट में ग्लोबल लिस्ट में ठीक है अरे बाबा लिख जाओ ग्लोबल लिस्ट में ठीक है जो कि इसका नाम क्या है ऑन टाइम परफॉर्मेंस ठीक है ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो लिस्ट है आपकी ग्लोबल उसमें एट पोजीशन मिली है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें कौन से स्टेट की बात करते हैं चलो असम की बात करते हैं ठीक है तो असम ने साइन किया है एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ एन डी डी बी अभी एन डी डी बी क्या है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ठीक है किसने किया है ये एक ज्वाइंट वेंचर है कितने का कितने करोड़ का दो सौ करोड़ का किसलिए लिए किया भाई डेयरी बोर्ड के साथ किया है तो डेयरी डेवलपमेंट के लिए किया होगा ठीक है ना डेरी विकास के लिए ठीक है तो असम गवर्नमेंट ने एनडीडीबी के साथ किया और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मांग रहा है जी हमारा क्वेश्चन का आंसर कह रहा है सी वाला इज द राइट आंसर ठीक है तो तेलंगाना इसका सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये आपका जो प्रोग्राम है माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम स्टार्ट किया है आ, और क्यों उसने किया है तो टू क्रिएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट जो स्कूल से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए ये किया है अब इसमें लागत कितनी आएगी जी भैया लागत होगी सेवन करोड़ ठीक है इसके अलावा कितने लोगों को ये आ, बेनिफिट करेगा कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा 19.84 लाख करोड़ एट लाख बच्चों को ये फायदा पहुंचाएगा ठीक है इसके अलावा शुरुआती दौर में नाइन वन टू थ्री लोकल बॉडी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर हम तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल इज हैदराबाद ठीक है गवर्नर इज तमल साई सौंदर्जन और चीफ मिनिस्टर कौन है जी के चंद्रशेखर राव चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो जरा विथ मिनिस्ट्री हैज साइंड एमओ यू विद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी टू फर्दर स्ट्रेंथन द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क व्यावसायिक और तकनीकी परीक्षण ढांचे को और मजबूत करने के लिए किस मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं चलो ऑप्शन पढ़े ऑप्शन क्या है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनटरप्रिनशिप हिंदी में क्या बोलेंगे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ठीक है दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ठीक है फिर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला और बाल विकास मंत्रालय फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय और आखिरी वाला जो ऑप्शन है आपका वो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ठीक है तो क्वेश्चन है ऑप्शन है इसको पढ़िए फटाफट से और ऑप्शन में देखिए क्या आंसर सही हो सकता है ठीक है चलिए इसके बारे में हम जरा बात करते हैं क्या है ये ठीक है तो आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शन में कुछ मिनिस्ट्रीज लिखी हुई हैं ठीक है थीके? और इनके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं तो पहली मिनिस्ट्री है क्या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौन है भाई मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ठीक है धर्मेंद्र प्रधान नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे आ जाओ हेल्थ एंड वेलफेयर मनसुख मांडविया कल ही बताया था मैंने आपको ठीक है नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भाई हमारी uh, क्या कहते हैं uh, जो क्या कहते हैं स्टार ऑफ द लास्ट जो आपके इलेक्शन हुए हैं कौन स्मृति ईरानी ठीक है ना इन्होंने राहुल जी को हरा दिया था ठीक है तो स्टार परफॉर्मर थी लास्ट इलेक्शंस में नेक्स्ट है होम अफेयर्स तो आप जानते हैं राजनाथ सिंह पंचायती राज कौन है जी इनका नाम है गिरिराज सिंह ठीक है गिरिराज ठीक है सिंह इनका नाम है चलो आगे बढ़ते हो द राइट आंसर इज ए वाला ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनटरप्रिनशिप ठीक है चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं तो जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनटरप्रिनोरशिप इसने साइन किया है एक एमओयू समझौता ज्ञापन पे किसके साथ इग्नू जिसको आप कहते रहो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी uh, के साथ किस ले टू फर्दर स्ट्रेंथन द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क ठीक है इसके अलावा uh, अगर हम इसकी बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है वैसे तो मैंने आपको बता दिया है टू लिंक वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विद हायर एजुकेशन व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा से जोड़ना पहला ठीक है मेकिंग इंडियाज यूथ इम्प्लॉयबल बाय क्रिएटिंग एवेन्यूज फॉर देम टू एक्सेस बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज भारत के युवाओं को बेहतर काम के अवसरों तक पहुंचाने के लिए अवसर सृजित करके रोजगार योग्य बनाना ठीक वो तो दो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है गुड मॉर्निंग चलो देखिए क्या लिखा है विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जल फार्मर्स ऑफ इंडिया बाय एनहानसिंग दर रेजिलस टू क्लाइमेट चेंज किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाकर भारत के छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है ठीक है चलो देखते हैं ज़रा क्या है तेलंगाना ठीक है मध्य प्रदेश फिर है आपका कर्नाटका असम और उड़ीसा ठीक है तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे उसका आंसर देना है ठीक है तो तेलंगाना मध्य प्रदेश ठीक है देन कर्नाटका अच्छा कर्नाटका की बात करें तो इसने साइन किया है एक एमओ यू विद सिंगापोर ठीक है सिंगापोर के साथ एक एम ओ यू साइन किया है एल एन जी ठीक है एक सेकेंड मैं फिर से बताऊंगी ये चीज क्या बोला मैंने इसने एमओ यू साइन किया सिंगापुर एल एन जी एल एन जी क्या है आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस ठीक है और क्यों किया है नाम से ही पता चल रहा है प्रदेश का पहला एल एन जी जो है लगाने के लिए कहाँ पे मैंगलुरु में ठीक है बैंगलुरु में जिसे आप कहते हो चलिए आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे द राइट आंसर इज ई वाला ठीक है ई मीन्स वॉट उड़ीसा उड़ीसा इज द राइट आंसर नवीन पटनायक है ना चलो तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने साइन किया है आ, पार्टनर किया है किसके साथ यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ठीक है संयुक्त राष्ट्र खाद्य आ, प्रोग्राम के साथ कार्यक्रम के साथ अगर हम विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किस लिए टू इम्प्रूव ठीक है किस लिए किया है आ, टू इम्प्रूव कहाँ गया भैया हाँ द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ इंडिया बाई इन्हैंसिंग देयर रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज ठीक है तो ये जो उड़ीसा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम से के साथ जो समझौता किया है इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाकर भारत के छोटे और जो सीमांत किसान की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए भागीदारी की है ये ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जी अगला क्वेश्चन आ गया पढ़ो तो जरा आ, इसमें मुझे जितने भी ऑप्शन है ना सबकी जरा वो भी चाहिए क्या कैपिटल mm, है ना ध्यान से पढ़ो जरा क्या लिखा है हैज बीन सिलेक्टेड एज ए न्यू कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अच्छा नई कैपिटल बना ली सही है यार नुसांतरा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया है अच्छा देखते हैं जरा कौन सा है देश तो पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन है साउथ कोरिया ठीक है जी दूसरा क्या दिया है जापान ठीक है साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल है ना आपको बताया ना नई कैपिटल कौन सी किसकी बनी जापान की इज टोक्यो ये भी आप लोग जानते हैं वियतनाम की इज हनोई ये भी पता है इंडोनेशिया की है जकार्ता है ना जकार्ता और फिर लास्ट ऑप्शन क्या है भाई मलेशिया मलेशिया की कैपिटल क्या है क्वाला ठीक है क्वालामपुर और पूछा क्या है कि किसकी नई कैपिटल बन गई है है ना और मलेशिया की, तो की अगर हम बात करें तो इसकी करेंसी क्या है मलेशियन रिंगेट आर आई एन जी जी आई टी ठीक है भाई इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशियन हाँ जी इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी है वियतनाम की अगर हम बात करें तो वियतनामी डोंग डी ओ एन जी डोंग यहां की करेंसी है ठीक है इसके अलावा बाकी सियोल और जापान की बात हो गई है यहाँ पे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देखें जरा डी वाला इंडोनेशिया विच मीन्स वॉट जकार्ता को बदल दिया गया है है ना आओ देखें तो इंडोनेशिया ने एक बिल पास किया है और अपनी जो कैपिटल है जकार्ता को बदल के क्या कर दिया है नई कैपिटल रख दी है क्या नाम है नुसांतरा ठीक है चलो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है जोको विडोडो ठीक है और इन्होंने ये प्लान किया है कि वो दो ये ये जो प्लान है वो कैपिटल मूव करने का वो 2019 में पेश किया था ठीक है और फाइनली अब आ, आपका क्या कहते हैं बिल पास हो गया है और ये कैपिटल चेंज हो गई है अच्छा कैपिटल क्यों चेंज की है क्योंकि जो जकार्ता है वो फेस कर रहा है काफ़ी लंबे अंतराल से फाइनेंशियल फाइनेंशियलिटी इनक्वालिटी वित्तीय जो इनइलिटी है वो और, और इसीलिए 2019 में ये अनाउंसमेंट किया गया था ठीक है चलिए और अगर हम बात करें जकार्ता की तो ये कैपिटल कब से है किसकी आ, इंडोनेशिया की 1949 से अच्छा कुछ जो कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में या पहले कभी कैपिटल्स जो बदली हैं उन कंट्रीज के नाम देख ले ठीक है ना तो भाई 1960 में 1960 में ब्राजील ने अपनी कैपिटल रियो रियोडियो रियोडीजिनियो से बदल के ब्रासीलिया कर ली थी ठीक है भाई 1991 नाइनटी में नाइजीरिया ने अपनी कैपिटल लागोस को बदल के अबूजा कर दिया था 1997 में कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल अलमेटी को बदल के नूर सुल्तान कर लिया ठीक है 2005 में म्यांमार ने अपनी कैपिटल रंगूर को निफ्टडो कर दिया है ठीक है तो कुछ ऐसी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है इसे इग्नोर मत किया करो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जी तो गायज अगर आप सेशन को लाइव देखते हैं या फिर ऑफलाइन देखते हैं आ, कोशिश किया करिए पूरा सेशन देखा करें ठीक है ना चलो क्वेश्चन करें गेनाइज ऑर्गेनाइज uh, लिखा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे इसको हम सही कर देंगे बाद में कहा गया भाई ठीक है हैज फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड सिक्स फिफ्टी करोड़ टू ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक किस संगठन ने ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लगभग कितना भाई छ सौ पचास करोड़ की वित्तीय सहायता दी है अच्छा जी uh, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छा देखते हैं सिडबी क्या है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है इसके अलावा एक्सिम बैंक जिसे आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हो ठीक है चलो जरा देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जी द राइट आंसर इज बी वाला सिडबी है भाई बिल्कुल सही आंसर uh, जिन्होंने दिया है चलो देखते हैं ज़रा तो सिडमी की बात करें तो सिडमी ने वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की कितना 650 करोड़ 650 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को ठीक है तो uh, किस लिए दी है ये स्मॉल ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये क्या करेंगे इस असिस्टेंस एस का ये क्या करेंगे सपोर्ट करेंगे स्मॉल साइज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को जो एन होती हैं Uh, सूक्ष्म लघु वाली उनको सपोर्ट करेंगे और माइक्रो फिनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या माइक्रो ऑन्टरप्रिनशिप होते हैं उनको क्या करेंगे सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइज इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लाइव सेशन चल रहा है आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं है, है ना

किस बैंक के साथ सह ऋण साझेदारी की घोषणा की है भाई देखो ऑप्शन देख लो भाई क्या लिखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इंडियन ओवरसीज बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा है कैनरा बैंक है और फिर है आपका बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो जरा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे गुड मॉर्निंग प्रदीप चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कौन सा वाला बैंक कार्ड के कार्ड के साथ जिसने को लेंडिंग पार्टनरशिप की है तो भैया द आंसर इज कैनरा बैंक ठीक है कहां गया डी वाला ऑप्शन कैनरा बैंक इज द राइट आंसर आगे बढ़े तो भाई कैनरा बैंक ने पार्टनर करेगा लेंडिंग कार्ड टू ऑफर लोन फॉर एमएसएमई एम को लोन देने के लिए यह पार्टनरशिप की गई है ठीक है और फिनटेक कंपनी है आपकी लैंडिंग कार्ड जिसने ये एक पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड लो कॉस्ट बिजनेस लोन्स कितने कितने के लो कॉस्ट जो लोन्स होंगे कितने के होंगे दस लाख के होंगे ठीक है जो कि एमएसएमईज को प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अलावा आ, अगर हम बात करें कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर की तो ये बेंगलुरु में है सीईओ कौन है लिंगम वेंकट प्रभाकर और आपका जो इसका फाउंडेशन ईयर क्या है एक जुलाई उन्नीस ठीक है इसके अलावा इसका एम क्या है मैंने आपको बता ही दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र पहल के तहत वित्तीय समावेश बढ़ाने के लिए एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सहायता को व्यापक करना ठीक है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये जो भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है एमएसएमई को उसे इनहस करना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन अनामिका गुड मॉर्निंग बजे सेशन स्टार्ट होता है लेट हो हो जाते सब लोग चलो से ऑफ पार्टनर विद एन पी सी आई भारत बिल पे लिमिटेड टू लॉन्च क्लिक पे सर्विस टू इट्स कस्टमर्स निम्नलिखित में से किसने अपने ग्राहकों के लिए क्लिक पे सेवा शुरू करने के लिए एन पी सी आई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ठीक है भाई ऑप्शंस देखो कोई नहीं नामा नामिका इट्स ओके ठीक है लेट uh, भी होता है तो ऑफलाइन देखिए बट रेगुलर रहिए और uh, uh, पूरा सेशन अटेंड करिए ठीक है चलिए अमेजॉन फ़ोनपे मोबी क्विक पेटीएम गूगल की बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लाइव सेशन में आपको बताते हैं आप कहीं से जब पढ़ते हो पी डी एफ एनॉलक्स में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं है ना चलिए अमेजॉन फ़ोनपे देन uh, क्या बोला मैंने मोबीविक पेटीएम और गूगल पूछा क्या है मैंने पूछा यह है किसने पार्टनर किया एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ क्लिक पे सर्विस अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च करने के लिए अच्छा चलो देखते हैं क्या है राइट आंसर इसका द राइट आंसर इज सी वाला ठीक है मोबीविक इज द राइट आंसर मोबीविक सबने सुना ही होगा ये आपका ऑनलाइन वॉलेट है है ना जहाँ से हम पेमेंट वगैरह करते हैं चलो तो मोबाइल वॉलेट जिसे आप कहा जाता है ठीक है ये इसने पार्टनर किया है एन के साथ टू लॉन्च क्लिक पे सर्विस अपने कस्टमर्स के लिए ठीक है अब जो भी कस्टमर्स होंगे वो भी विक के इससे कर क्या सकेंगे सभी को पता है जो भी आपके ऑनलाइन बिल्स हैं जैसे गैस का बिजली का पानी का डी इंश्योरेंस या लोन की ई भरना है वो सब इससे कर सकेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं पढ़े which कंट्रीज Roberta Metsola हैज बिकम द youngest प्रेसिडेंट ऑफ EU पार्लियामेंट ठीक है भाई किस देश की रोबर्टा मेटसोला यूरोपीय संघ की संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई है अच्छा सैन मरीनो इस्टोनिया मोनाको लेग्जमबर्ग या माल्टा तो रोबर्टा मेटसोला यंगेस्ट प्रेसिडेंट है ईयू पार्लियामेंट आप जानते हैं ना ईयू यूरोपियन यूनियन को कहा जाता है ठीक है जिसमें कितने प्रदेश प्रदेश नहीं कितने देश हैं ट्वेंटी सेवन कंट्रीज हैं एंड द जो लैंग्वेज है जो इनकी कॉमन uh, करेंसी है उसका नाम क्या है यूरो ठीक है और हाल ही में यूके ने एग्जिट uh, किया था यूरोपियन यूनियन से जिसे ब्रेक्सिट कहा गया था ब्रिटेन जिसको कहते हैं हम ठीक है ब्रेक्सिट कहा गया था ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं द राइट आंसर इज ई वाला माल्टा यस द राइट आंसर इज माल्टा बिल्कुल सही तो भैया माल्टा की जो रॉबर्टा मेत्सोला है ये सबसे कम उम्र की ईयू की प्रेसिडेंट बन गई है ठीक है क्या उम्र है सबसे कम उम्र इज फोर्टी थ्री भा बड़ी वेरी गुड है ना चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा ये तीसरी महिला हैं जो कि यूरोपियन यूनियन को हेड करेंगी ठीक है चलिए इसके अलावा शी इज अ मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉक यूरोपियन पीपल्स पार्टी ठीक है तो ये मेंबर है वहाँ की कोई पार्टी उसका नाम क्या है यूरोपियन पीपल्स पार्टी और इन्होंने मेजोरिटी 458 वोट जीते हैं ठीक है इसके अलावा ये पहली बार इलेक्ट हुई थी यू के पार्लियामेंट में 2013 में और ये माल्टा को रिप्रेजेंट करती हैं और ये पहली फर्स्ट वीपी और यू वीपी का मतलब वाइस प्रेजिडेंट तो वाइस वाइस प्रेजिडेंट भी बनी थी यूरोपियन पार्लियामेंट की दो में ठीक है चले अरे भाई यूरोपियन यूनियन के बारे में तो पढ़ लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई फाउंडेशन ईयर फर्स्ट नवंबर 1993 नीदरलैंड में ठीक है हेडक्वार्टर इज ब्रसल्स ब्रसल्स में नाटो का भी हेडक्वार्टर है है ना ब्रसल्स बेल्जियम में चलो प्रेसिडेंट कौन है उर्सुला वॉन्डर लेन ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट कौन बनी है रॉबर्टा मेट्सोला देखो भैया दोनों में कन्फ्यूजन मत करना ठीक है ये कमीशन है ये पार्लियामेंट है फिर प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ज बिन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है विनीत अग्रवाल शशि शेखर विम्पाती, संजय अग्रवाल शशांक गोयल या विनोद कानन ठीक है तो जरा जल्दी से बताओ विनीत अग्रवाल शशि शेखर विम्पाती, संजय अग्रवाल शशांक गोयल या विनोद कानन हुज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अडिशनल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी अतिरिक्त सचिव में बने हैं भैया श्रम और रोजगार मंत्रालय में ठीक है तो चलो देखें जरा कौन बने हैं द राइट आंसर इज डी वाला शशांक गोयल ठीक है चलो तो शशांक गोयल कौन है ये 1990 बैच आई ऑफिसर हैं और ये अपॉइंट हुए हैं एडिशनल सेक्रेटरी कौन से मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में ठीक है इसके अलावा अभी तक वो क्या थे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कहाँ पे तेलंगाना में ठीक है इसके अलावा शैलेश कुमार सिंह जो कि 1991 सौ इक्यानवे आई के अधिकारी हैं ये एडिशनल सेक्रेटरी बन रहे हैं और डेवलपमेंट कमिश्नर बनेंगे एम एस म ई में माई मिनिस्ट्री ऑफ एम में इनको क्या बनाया गया एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है ठीक है इसके अलावा मनीष कुमार गुप्ता हैं भाई इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो तीन अपॉइंटमेंट हुए हैं तीन अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया ठीक है जरा एक बार फिर से देखते हैं एक तो शशांक गोयल ये बन गए एडिशनल सेक्रेटरी दूसरा मैंने बताया शैलेश कुमार सिंह ये एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एम में और ये बने हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट में और मनीष कुमार बने हैं वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में ठीक है चलो आगे बढ़े आया अगला क्वेश्चन जी हां गया है फटाफट पड़ से पढ़ो और आंसर दे दो Who among the following has won Best FIFA Men's Player फॉलोइंगीफा ट्वेंटी 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 सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार दो हजार इक्कीस में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 हजार इक्कीस का पुरस्कार जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है सबके फेवरेट है ना रहीम स्टर्लिंग डीनियल मेसी नेमार जूनियर रॉबर्ट लेवान्स की ठीक है तो आपको मुझे बताना है फीफा फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन जिसे आप कहते हो फुटबॉल का जो महासंघ है उसने जो अवार्ड्स ये जो अभी फुटबॉल अवार्ड दिए हैं तो किसको बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड दिया से सम्मानित किया गया है अच्छा सबके आंसर्स भी आ गए इट्स ई वाला e रॉबर्ट लुवान्स की बिल्कुल सही तो भैया ये जो अगर इन अवार्ड्स की बात करें तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड मिला है रॉबर्ट लोवान्सकी को ठीक है भैया बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है ठीक है इसके अलावा ये जो सेरेमनी है ये जियोरिक स्विट्ज़रलैंड में हुई है आ, ये वर्चुअल सेरेमनी से दिया गया है अवार्ड ठीक है इसके अलावा बार्सिलोना की स्पैनिश जो मिड है क्या नाम है उनका एलेक्सिया पुटेलिस इन्हें फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड दिया मेल वाला रॉबर्ट को मिला है और फीमेल वाला एलेक्सिया को मिला है ठीक है अच्छा एक चीज और अभी फीफा की बात हो रही है ना तो भारत क्या करेगा ए एफ सी वुमेन्स फुटबॉल जो एशियन कप है 2022 हजार बाईस में क्या करेगा होस्ट करेगा कल ही मैंने आपको बताया था कहाँ पे मुंबई नवी मुंबई और पुणे में एशियन कप फुटबॉल विमेन्स एशियन फुटबॉल एशियन कप ठीक है चलिए कल ही बताई थी ये चीज़ मैंने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जिसे आप क्या कहते हो एन डी आर इट्स रेजिंग डे एवरी ईयर ऑन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल डैश को अपना स्थापना दिवस मनाता है आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है चलो देखो जरा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तो पढ़ दे 18, 19, 20, 21, 22 ठीक है चलो देखें राइट आंसर इज उन्नीस वाला नाइनटींथ जनवरी तो भैया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है ये उन्नीस जनवरी को प्रतिवर्ष अपना रेजिंग डे मनाता है स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी ठीक है इसके अलावा ये सत्रवा रे, अपना रेजिंग डे मना रहा है ठीक है इसके अलावा बारह एनडीआर बटालियंस हैं अलग अलग जगहों पे हमारे देश में टोटल ठीक है और लगभग तेरह हज़ार एनडीआरएफ के जो वर्कर्स हैं वो हमारे इस देश को सुरक्षित करने के लिए कार्यरत है ठीक है इसके अलावा एक ये स्पेशलाइज फोर्स है किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत है और इसका निर्माण हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक दो के तहत ठीक है तो जब हमारे यहाँ जो आपदाएं आती प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग तरह के जो डिजास्टर्स होते हैं आपदाएं आती हैं उनमें ये जो हमारी संस्था है कार्यरत रहती है ठीक है चलिए इसके अलावा एन ने दो हजार में स्थापना हुई इट वॉज फाउंडेड इन टू थाउजेंड एंड सिक्स कौन है अतुल करवाल और हेडक्वार्टर कहाँ है इट्स इन न्यू डेली ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड अच्छा भैया देख लो कुछ यहाँ पे आ, आपके ये दिए हुए हैं अलग अलग डेज दिए हुए हैं तो आप यहाँ से वो डेज को पढ़ सकते हैं अच्छा इसमें एक डे दिया हुआ है कौन सा वाला देखो तो जरा उन्नीस जनवरी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स डे का रेजिंग डे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और जैसे जैसे हमारे आगे डेज आएंगे हम आपको बताते रहेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन डेटा वीक कंडक्टेड फ्रॉम डैश टू डैश जनवरी 2022 बाय स्मार्ट सिटीज मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्मार्ट सिटीज मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा डैश से डैश जनवरी 2022 तक ओपन डेटा वीक आयोजित किया गया अच्छा 16 से 20, 17 से 21, 18 से 22, 19 से 23 या फिर 20 से 24 ठीक है चलो सबके आंसर्स आ गए हैं तो हमें आंसर सीधा बता ही देते हैं द राइट आंसर इज कौन सा वाला ए वाला विच इज 16 से 20 जनवरी ठीक है चलो माफ कीजिएगा नॉट ए वाला इट्स बी वाला 17 से 21 जनवरी ठीक है पता नहीं क्यों मैं ए uh, मेरे मुंह से निकला ठीक है चलो इसके बारे में बात करते हैं तो जो ओपन डेटा वीक है ये कंडक्ट किया गया सत्रह से इक्कीस जनवरी के मध्य कंडक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत इसे किया जा रहा है किस लिए टू इनकरेज द अडॉप्शन ऑफ ओपन डेटा एंड प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस इंडिया अर्बन इकोसिस्टम ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अरे इसको तो आप सभी जान ही रहे होंगे कौन नेम द लेजेंडरी बंगाली कॉमिक्स आर्टिस्ट राइटर एंड इलस्ट्रेटर हु अवे रिसेंटली उस प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार लेखक और चित्रकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है महेंद्र प्रसाद के एस सिंधु सेतु माधवन ठीक है देन आर एल जलप्पा फिर है आपका गिरीश ठाकुर लाल नानावती या फिर नारायण देवनाथ ठीक है तो जरा देखो कौन सा राइट आंसर गुड मॉर्निंग शिवम चलो और ठंड के क्या हाल चाल हैं चलो देखें जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर द राइट आंसर इज ई वाला नारायण देवनाथ ठीक है नारायण देवनाथ इज दी राइट right आंसर ठीक है चलो इनके बारे में बात करते हैं तो बंगाली कॉमिक आर्टिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है इनकी जो कॉमिक स्ट्रिप्स हैं कुछ जो उनके नाम हांडा बोंडा बांतुल द ग्रेट नोटे फोन्टी ये अलग अलग वर्षों में इन्होंने क्रिएट किए थे ठीक है चलिए इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कुछ अवार्ड जीते हैं देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा अवार्ड इस व्यक्ति ने जीता है तो पद्मश्री जीता है जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है चौथा सर्वोच्च नागरिक नागरिक सम्मान है भारत का 2021 में ठीक है अभी कल ही हमने बताई थी एक डेथ आपको ठीक है 2021 में उनको भी मिला था पद्मश्री ठीक है और यहाँ पे इनको भी मिला है इसके अलावा अन्य जो अवार्ड मिले हैं साहित्य अकादमी अवार्ड प्रेसिडेंट स्पेशल रिकग्नाइजेशन अवार्ड दो में बंग विभूषण दो में ठीक है फिर डी लिट बाय रबिंद्र भारती यूनिवर्सिटी 2015 में ठीक है चलो अच्छा सुन रहे हैं काफी गलन हो गई है यूपी में तो है ना चलो आ, एक और डेथ है ना आप सभी लोग जान ही रहे होंगे इंडिया सुपर मॉम टाइग्रेस पॉपुलरली नोन एज कोलार वली रिसेंटली एट विच टाइगर रिजर्व भारत की सुपर मॉम शेरनी जिसने का कॉलर वाली के नाम से जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना आ, जाता है का हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य में निधन हो गया देखो ये ये वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल मिलेगा आपको किसी ना किसी फॉर्म में या तो आपको वो टाइगर रिजर्व का नाम पूछेंगे या स्टेट पूछेंगे या कुछ भी तो सरिसका टाइगर रिजर्व पेज टाइगर रिजर्व बक्सा टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिवर्व रिजर्व फिर है आपका मेगा मलाई टाइगर रिजर्व ठीक है तो अगर हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें और पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें ठीक है पन्ना और पेंच आपका कहां पे है ये आपका एमपी में है मध्य प्रदेश में है ठीक है उसके बाद आते हैं अगर हम सरिस्का की बात करें कहा है भैया सरिस्का ये वाला सरिस्का टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान में राजस्थान में फिर आते हैं अगर हम श्री विलीपुट्टर क्या नाम है इसका पूरा मेगा मलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तमिलनाडु में है नाम से ही पता चल रहा होगा आपको है ना तो ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों में अच्छा एक और बज गया बक्सा बक्सा वेस्ट बंगाल में ठीक है तो ये टाइगर रिजर्व हैं आपके यहाँ पे तो द, द, मौसम इज गुड यूपी में जैसा हमारा नवंबर वाला मौसम होता है वैसा वाला चल रहा है नवंबर और स्टार्टिंग दिसंबर ठीक है चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है जी द राइट आंसर इज बी वाला ठीक है तो यानी पेंच टाइगर रिजर्व यानी बात हो रही है किसकी मध्य प्रदेश की है ना तो लेजेंड लेजेंडरी कॉलर वाली टाइग्रेस इन पेज टाइगर रिजर्व जो कि कहां पे है मध्य प्रदेश में है ठीक है ये पहली टाइग्रेस थी पार्क में टू बी फिटिड विद रेडियो कॉलर इन 2000 अच्छा इन्हें कॉलर वाले क्यों कहा जाता है क्योंकि इनको ये पहली टाइग्रेस है जिनको ये कॉलर रेडियो फिटेड uh, uh, कॉलर जो है ना 2008 में पहनाया गया था ठीक है इनका जन्म कब हुआ था 2005 में हुआ था ठीक है इन्होंने अब तक 29 नाइन कब्ज को बर्थ दिया है इसके अलावा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है अच्छा इसलिए बताया क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है है ना इसके अलावा uh, ये इन्हें टी फिफ्टीन इनका क्या है ऑफिशियल नेम है ठीक है किसका आ, टाइग्रेस का जो अभी हाल में जिनका देहांत हुआ सोलह वर्ष की थी सिक्सटीन ईयर्स की थी ठीक है सिक्सटीन ईयर्स की थी नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> शिवम डांट पड़ी तुमको हम्म, चलो देखें पद्म भूषण एचपीएस एच पी एस आलूवालिया पास्ट अवे रिसेंटली ही वॉज अ डैश पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित एच पी एस आलूवालिया का हाल ही में निधन हो गया है वह एक डैश थे ठीक है भाई पद्म भूषण अगेन अवार्ड ध्यान रखा करो कौन सा मिला है ठीक है थिएटर पर्सनालिटी थे क्वेश्चन Uh, 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 क्या लिखा है कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, uh, थे, थे, थे या कॉन्टेम्प्रेरी डांसर थे समकालीन रत्थक थे माउंटेनियर पर्वतारोही थे या एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे वैमानिक वैमानिक बोलते हैं देखो वैज्ञानिक थे ठीक है चलो देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है जी गिव मी वन सेकेंड बीच बीच में लाइव जरूर कर लिया करो रोज़ बताना ना पड़े है ना क्या होता है बैक हो जाता है सेशन कई बार चलो द राइट आंसर इज डी वाला माउंटेनियर ही वॉज माउंटेनियर ठीक है तो पद्म भूषण मिला है इन्हें ठीक है और ये माउंटेनियर हैं जो अभी हाल ही में इनका निहांत हुआ ये फाउंडर है संस्थापक है इंडियन स्पाइनल इंजीनियरिंग सेंटर के ठीक है जो कि वसंत कुछ दिल्ली में उन्नीस सौ तिरानवे में सेटअप किया गया था ठीक है अच्छा 26 वर्ष की आयु में ये पार्ट रह चुके हैं माउंट एवरेस्ट 1965 का जो भारतीय अभियान था उसके ठीक है और मई 29 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट का शिखर की चढ़ाई की थी ठीक है 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को, को चढ़ाई की थी ठीक है चलो पद्म भूषण मिला है 2002 में पद्मश्री मिला है 1965 में एंड रिसीव इंडिया सेकेंड हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अर्जुना अवार्ड पहला वो राजी, राजीव राजीव गांधी से तो नाम चेंज हो गया अब क्या हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ठीक है और ये अर्जुना अवार्ड है सेकेंड हाइएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इसके अलावा ही ऑल्सो रिसीव टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दो तो ये जो भी अवार्ड्स है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है थोड़ा सा कुछ थोड़ क्वेश्चन को जब ट्विस्ट करना होता है ना तो इसी तरह से कर दिया जाता है चलो देखो क्या लिखा है Which ओलंपिक विनर हैज बीन अपॉइंटेड एज डीएसपी ऑफ असम पुलिस किस ओलंपिक विजेता को असम awesome पुलिस का डीएसपी नियुक्त किया गया है अच्छा जमुना बोरो तयाबुल निशा लवलीना बोरगेन, अश्मिता चेलिया, नान ऑफ दी अबव नाम से से पता चल गया होगा कौन अच्छा इससे पहले भी डीएसपी बनाया था किसको हमारी जो ढिंग एक्सप्रेस हैं उनको याद आ रहा है ना आ, अभी यहाँ पे किसको बनाया गया है ये आपको बताना है और ये टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल मिला था इनको पहला मेडल इन्होंने आई थिंक जीता था है ना तो कौन है आपको पता चली गया होगा कौन बोरगोन ठीक है तो चैंपियन बॉक्सर टोक्यो ओलंपिक्स की मेडलिस्ट हैं लॉबलिना बोरगोन इन्हें 12 जनवरी को बनाया गया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन से प्रदेश का असम गवर्नमेंट ने आसम गवर्नमेंट ने असम के जो चीफ मिनिस्टर है भाई उन्होंने बनाया होगा तो हेमंत बिस्व शर्मा उनका नाम है ठीक है चौबीस वर्षीय है ये और गुवाहाटी में सेरेमनी में अनाउंसमेंट किया है ठीक है इसके अलावा इन्हें मंथली इतना अमाउंट दिया जाएगा एज़ अ पार्ट ऑफ हर सैलरी ठीक है इसके अलावा सारमा ऑल्सो शर्मा बिस्वंत हेमंत बिश्व शर्मा की यहाँ बात हो रही है ठीक है उन्होंने एक रोड जो है गुवाहाटी में कहा है कि उसका नाम भी इनके नाम पे रख दिया जाएगा तो काफ़ी अप्रिसिएशन किया गया है आ, हमारे जो एथलीट्स हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में पदक जीते हैं भारत के लिए भारत को गौरवान्वित किया है वैश्विक स्तर पे, ठीक है दे हैव मेड प्राउड इंडिया एट द ग्लोबल लेवल ग्लोबल प्लेटफॉर्म तो दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ ठीक है और उनको काफ़ी अवार्ड से सराहा भी गया है अलग अलग प्रदेश कर रहे हैं है ना चलो देखो क्या लिखा है रिसेंटली सरबनंदा सोनोवाल पहले हेमंत बिश्व शर्मा से पहले सरबनंदा सोनोवाल क्या थे असम के सीएम थे अब हेमंत बिश्व शर्मा है तो रिसेंटली सरबनंदा सोनोवाल हैज इनग्रेटेड विथ स्टेट फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हाल ही में सरबनंदा सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है कर्नाटक गुजरात उड़ीसा देन केरला फिर असम देखो तो जरा तो मैंने अभी आपको काफी चीजों के बारे में बताया था आ, मुझे याद आ रहा है जैसे कर्नाटक वगैरह के बारे में बताया था गुजरात की अगर हम बात करें कहा गया भूपेंद्र पटेल है यहाँ पे पहली चीज दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताया था वहां पे एक केवाडिया रेलवे स्टेशन है केवाडिया रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के रख दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन याद आया बाकी ऑप्शंस के बारे में मैं बता चुकी हूं है ना चलो देखें यस द राइट आंसर इज ई वाला विच इज वॉट असम ठीक है तो भैया पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असम का क्या नाम है इसका श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चौबा असम की जो डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या किया जाएगा वो बनाया जाएगा ये 11 जनवरी को अनाउंसमेंट किया है ठीक है और अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेट संत हैं ममोरिया सत्र कम्युनिटी के उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा ठीक है चलिए सो गाइज दिस वॉज द सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा uh, हम और हमारी टीम काफ़ी uh, क्या कहते हैं काफ़ी हार्डवर्क करते हैं आपके लिए कंटेंट कलेक्ट करने के लिए ठीक है तो थोड़ा आप, आपका एप्रिसिएशन भी बनता है uh, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ठीक है हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से कंटेंट लाते रहते हैं जो कि हम आपको अपनी जो वेबसाइट है अपना जो चैनल है उसके थ्रू प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे नाम टाइप करिए देख पढ़ सकते हैं आप आप चैनल से जुड़िए ठीक है थीके? और टेस्ट डॉट एमबीसी बाबा डॉट कॉम वेबसाइट पर विजिट करिए फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू बैंक एसएससी रेलवे एंड अदर प्रमोशनल एग्ज़ाम्स ठीक है गुड शिवम वेरी गुड तो गाइस अब मिलते हैं हमारे कल के सेशन में ठीक है कितने बजे आठ बजे तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए